हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एंड्रॉइड, क्योंकि अब मेरी एक नई सीरीज शुरू हो गई है, जिसमें स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लाऊंगी। तो आपके आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को ऐड कर सकूँ और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तो ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके और आप अपने प्रोग्रामिंग लाइफ को एंजॉय कर सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, और क्या, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको बताया है पहले से ही कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे लैपटॉप में पहले से ही एक एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, और अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्टली जाके उस वीडियो को क्लिक कीजिए और सीखिए कि कैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फाइल लिखा हुआ है, फाइल। फाइल मेन्यू में जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ न्यू पे मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करूंगी। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं, और इन सभी ऑप्शंस का क्या मतलब है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं हर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। किसी भी एंड्रॉइड स्टूडियो के जो आईडी होती है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस का क्या मतलब है, लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट करूंगी। तो न्यू प्रोजेक्ट में मैं एक नया प्रोजेक्ट बना सकती हूँ, यानी कि मेरा एक नया ऐप का प्रोजेक्ट बन सकता है। अब इसमें मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, मैं फोन और टैबलेट के लिए बना सकती हूँ, ठीक है, एंड्रॉयड टीवी के लिए बना सकती हूँ और अदर थिंग्स के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे अभी सिंपल फोन और टैबलेट के लिए एक ऐप बनाना है। तो उस ऐप में मैं क्या करूंगी, नो एक्टिविटी ऐप या एम्प्टी एक्टिविटी, ये चूज कर सकती हूँ। इसमें कई सारे और भी ऑप्शंस हैं, आप स्टार्टिंग से ही कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी वाले ऐप को चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तो यहाँ पर ये मतलब प्रेफर करूँ, ये सजेशन दूंगी कि आप एक एम्प्टी या ब्लैंक एक्टिविटी को चूज कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम कुछ ऐसा दूंगी, ताकि मैं इसी में अपने आगे आने वाले वीडियोस को ऐड कर सकूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नाम देती हूँ लर्न विथ रेशो, ओके, और विथ में W बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये कैमल केस नोटेशन के फॉर्म में, कैमल केस फॉर्म में होने चाहिए नेम्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब पैकेज का नेम ये ऑटोमेटिकली इसने ऐड कर दिया, com.in लर्न विथ रेशो, ओके, और सेव लोकेशन भी मेरा ये चूज हो गया ऑटोमेटिकली। आप चाहे तो पैकेज नेम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे एज इट इज रखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि आप किस लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट दो लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है, कोटलिन और जावा। तो मैं जावा यूज करूंगी, और मिनिमम SDK यहाँ पर 16 है, API 16 जेलीबीन। और मैं यहाँ पर इस बटन को भी क्लिक करूंगी, यूज लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज, ताकि अपने पुराने एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरी लेगेसी एंड्रॉइड लाइब्रेरीज को भी सपोर्ट कर सके। ठीक है, यहाँ ये बता रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.8% ऑफ डिवाइसेस, क्योंकि ये जेली बीन जो एंड्रॉयड की API है, ये मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर API है। तो ये मोस्ट ऑफनली हर फोन्स में, इसका एंड्रॉयड फोन्स में ये चल सकती है, सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, चलो
अब मैं यहाँ पर फिनिश करती हूँ और यहाँ पर मेरा एंड्रॉइड ऐप का प्रोजेक्ट बनकर आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा ऐप, ऐप के अंदर हो गया जावा और जावा के अंदर मेरी जो पैकेज है मेन, उसके अंदर है मेन एक्टिविटी, ये है अपना टेस्ट पैकेज, ये है अपना टेस्ट पैकेज, ठीक है, और ये है एंड्रॉइड टेस्ट पैकेज। इस तरीके से ये मेरा ऐप पैकेज बन, ऐप प्रोजेक्ट बनकर आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज किस किस चीज किस किस काम में यूज होती है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे पास एक तो फोल्डर है मैनिफेस्ट, जिसमें मेरी फाइल रखी हुई है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। एक फोल्डर है जावा, जिसमें मेरे पास तीन पैकेजेस हैं। इन तीन पैकेजेस में मेरे पास एक एक फाइल है और एक फोल्डर है रेस, जिसके अंदर मेरे पास ड्राइवल, लेआउट, मिप मैप एंड वैल्यूज, ये सारी फोल्डर्स है। तो मैंने सबको ओपन कर दिया। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ इस फोल्डर का मतलब क्या है। मैं जावा से शुरू करती हूँ। जो जावा फोल्डर है इसमें डॉट जावा रिसोर्स फाइल्स होती हैं प्रोजेक्ट की, जो कि जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो होती है मेन एक्टिविटी फाइल। जो मेन एक्टिविटी फाइल होती है उसके अंदर सारी एक्टिविटीज क्लासेस उसके थ्रू रन होती हैं और जो मेन एक्टिविटी क्लास होती है उसी में मतलब लॉन्च होता है जब हमारा ऐप, इसी क्लास से स्टार्ट होता है, एंट्री पॉइंट है ये ऐप का, ठीक है। अब ये एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट, ये एक टेस्ट क्लास है जो कि कुछ टेस्ट है इसमें यूज ऐप कॉन्टेस्ट। तो ये क्या करता है, इस टेस्ट के अंदर ये ऐप के कॉन्टेक्स्ट को टेस्ट करता है कि ये चल रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा अपना एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट, इसके अंदर एक सिंपल सा यूनिट टेस्ट लिखा हुआ है और ये एक सिंपल सा है कि एडिशन इज करेक्ट और नॉट, मतलब ये यूनिट टेस्ट इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये जस्ट जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेस्ट और ड्यूरेबल, ये जो होता है ड्यूरेबल डायरेक्टिव जो होती है वो ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स तो जो कि हाई सेंसिटिविटी स्क्रीन्स के लिए बने होते हैं उनके लिए होती है, मतलब जैसे कि ये बैकग्राउंड है, ये हमारा ऐप का बैकग्राउंड होगा और ये फोरग्राउंड होगा, कैसा मतलब ये जो मेन XML, ये XML फाइल्स जो हैं ये हमारे मतलब कि हाई डेंसिटी स्क्रीन्स के लिए होती हैं, ये उन उन मतलब यहाँ पर हम डिजाइन कर सकते हैं इन फाइल्स में। अब जैसे लेआउट, तो लेआउट इज अ डायरेक्टरी फॉर फाइल्स दैट डिफाइन योर एप्स यूजर इंटरफेस। ये जो लेआउट है ये एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है तो ये बताएगी कि आपका जो फर्स्ट लोड होगा जो ऐप वो कैसा दिखेगा, मेन एक्टिविटी कैसा, फ्रंट पेज कैसा दिखेगा वो बताती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये जो है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऐप को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब इस ऐप में जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हर एक डिफाइंड कंपोनेंट्स की उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ये है अपना कि इस ऐप में बेसिक फंक्शनैलिटी यहाँ डिफाइन की गई है, इसका लेबल क्या है, मतलब इसका नेम क्या है प्रोजेक्ट का या इस ऐप का, लर्न विथ रेशु, और ये बैकअप अलाउ करता है नहीं, यस, और इसमें ये जो है इसकी थीम क्या है, तो ये इसकी थीम बताई गई है, इसमें मेन डॉट एक्टिविटी क्लास कहाँ पर है, सारी चीजें इसमें डिफाइन है। इसमें बहुत सारी और चीजें भी डिफाइन की जा सकती हैं, एक तरीके से एक बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए ये क्लास होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ऐप को एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इसे बनाया, मतलब तो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, बट हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें
चूज कर सकते हैं डिवाइसेस। और अगर आपके पास कोई डिवाइसेस ऑलरेडी नहीं है तो आपको क्या करना है कि AWD मैनेजर इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, मेरे पास तो ये पहले से मैंने बना के रखे हैं, मतलब सेट करके रखे हैं। अगर आपको पास नहीं है तो आपको क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको डिवाइस बनाना है, वो ये वर्चुअल डिवाइस बनाना है, वहाँ उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ से उसको, यहाँ पर उसके नेम को मतलब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फिर मतलब चूज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके सिस्टम इमेजेस को और एवरीथिंग जो भी उससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट करके, और फिर यहाँ पर उसका नेम दीजिए और फिनिश कर दीजिए, आपका नया वर्चुअल डिवाइस बन जाएगा। ये मेरे पास पहले से है तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पर यूज करूंगी। और यहाँ से मैंने इसे चूज कर लिया, इस बटन पे रन, रन का बटन है, इस पे क्लिक करूंगी। अब ये थोड़ी देर में ही ये बिल्ड होगा मेरा प्रोजेक्ट। और फिर मुझे एक ऐप दिखेगा, एक फोन वर्चुअल डिवाइस पे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा ये। बट ये मेरा, ये मैं पहले काम कर रही थी उसका है, तो ये मेरा किसी वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो पाया है, मतलब आ नहीं पाया है। तो इसमें क्या एरर है ये देख, तो इसमें ये एरर ये है कि इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड, एप्लीकेशन कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ड्यू टू डिवाइस एलिमिनेटर नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो वो एरर इसलिए आई थी क्योंकि जो है ना, मैंने जो अपना एवीडी मैनेजर है वर्चुअल डिवाइस, वो मैंने ये वाला यूज किया था, पिक्सेल टू API 29। जब मैंने इसको इस पे भी चल जाएगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ओल्ड वन पे यूज किया है, ये वाला दूसरे वर्चुअल डिवाइस को चूज करके रन किया तो ये चल गया। तो मैं इस पे रन करती हूँ और लेट्स सी कैसा दिखता है हमारा वर्चुअल डिवाइस। ऐसा दिखेगा ये। यहाँ पर हमारे ऐप मतलब आइकॉन भी लगा सकते हैं, और यहाँ मैंने अपने ऐप का हेडिंग डाली थी, जो भी मेरे ऐप की हेडिंग थी, लर्न विथ रेशू। और यहाँ पर मेरा ये हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया। अब इस हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ, वो कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे हम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा ये बताती हूँ कि कैसे ये मेन एक्टिविटी और ये सारी फाइल्स काम करती हैं। सबसे पहले जो ये एक फाइल है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी फाइल, जो कि com.in.learnwithreshu फोल्डर के पैकेज के अंदर है, ये क्या करती है। जैसे ही हम अपने ऐप को रन करते हैं, तो सबसे पहले प्रोग्राम इस मेन डॉट मेन एक्टिविटी क्लास को रन करता है। इस मेन एक्टिविटी क्लास में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है ऑन क्रिएट मेथड। और ये ऑन क्रिएट मेथड जो है, यही एंट्री पॉइंट है हमारे ऐप को रन करने का। ये जो है, ये मेन एक्टिविटी क्लास ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करती है। दिस इज ये जो है ना, ये पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास को अगर हम देखेंगे तो इस पेरेंट क्लास में हमारे पास एक ऑन क्रिएट मेथड पहले से ही डिफाइन है। इस ऑन क्रिएट मेथड को हमने मेन एक्टिविटी क्लास में ओवरराइड किया है, और हमारे कोड के हिसाब से हमने इसे कोड लिखा है। तो इसमें जस्ट सिंपल इसने एक मेथड के अंदर ये लिखा है कि इसकी कंटेंट व्यू लेआउट में एक्टिविटी मेन है। इसका मतलब क्या है कि जब हम रिसोर्स आर डॉट लेआउट का मतलब है रिसोर्स के लेआउट में जाएंगे, तो हमें एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल मिलेगी। तो ये क्या कह रहा है, जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो ये एक्टिविटी डॉट मेन फाइल, जो एक्सएमएल फाइल है, ये रन हो। और जो इस एक्सएमएल फाइल में अगर हम यहाँ पर इसका
व्यू देखें तो ये हमें प्रिंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ये जो है ये हेलो वर्ड को हमने बीच में रख रखा है, ठीक है, और ये जो ये इसका बैकग्राउंड है और ये इसका मतलब इस तरीके से इसमें ये शो होता है, ठीक है, ये व्यूज है। तो इस टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर काफी सारे सेक्शंस हैं जिसमें हम अलग 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 सेक्शन का यूज करके हम अपने लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। जब मेन एक्टिविटी लोड होती है तो वो इस फाइल को कॉल करती है और इस फाइल में जो भी लेआउट होता है वो हमें विजिबल होता है ऐप पे, ठीक है। इसमें इन्होंने सिंपल जस्ट एक टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। टेक्स्ट व्यू में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैं इस टेक्स्ट व्यू में जो भी मन चाहे वो लिख सकती हूँ। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लिखना है। हम जब यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ ये टेक्स्ट नाम की फील्ड आई, एट्रीब्यूट डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट, और यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ हेलो यूजर्स, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने अगर इसको हेलो यूजर कर दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये हेलो यूजर आएगा। मैं इसको सेव करके और फिर इस ऐप को रन करूंगी, आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड की जगह पर ये हमें हेलो यूजर प्रिंट करेगा, हेलो यूजर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी हेलो वर्ल्ड या एक बेसिक ऐप को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हमारा बेसिक ऐप बन गया जिसमें हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने हेलो यूजर्स कराया। अब मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे हम और इसमें एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं, कैसे हम और व्यूज ऐड कर सकते हैं, कैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में एक अच्छा सा ऐप बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। आपके फीडबैक हमेशा वेलकम है। आपको अगर कोई अच्छा फीडबैक देना है या बुरा फीडबैक या जो भी फीडबैक देना है, जो भी आपको लग रहा है कि आपको मुझे कहना है इस वीडियो में, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस कमेंट के बेस पे आपको रिप्लाई दूंगी। और आपका अगर कोई डाउट है जावा से रिलेटेड या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।